50 दिन बाद अरविंद केजरीवाल को मिलती है जमानत इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए। बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ईडी से पूछा कि अगर उन्हें 2 साल से पता था कि अरविंद केजरीवाल इस केस से लिंक्ड हैं, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया, और इतनी बड़ी एजेंसी को इतना टाइम कैसे लग सकता है, और अगर पता लग भी गया उनका अरेस्ट ही क्यों करा, दैट टू जस्ट बिफोर इलेक्शंस। केजरीवाल के अरेस्ट के बाद उन्होंने बेल की मांग की थी ऑन 2 ग्राउंड्स। पहला कि जो ईडी ने उन्हें अरेस्ट करा है वो इलीगल है, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कैंपेनिंग फॉर द इलेक्शंस। लेकिन इसमें ईडी का कहना था कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उन्होंने बार बार केजरीवाल को समन भिजवाए थे। अरविंद केजरीवाल की बेल के बाद ईडी कहते कि लॉ सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। इलेक्शन की कैंपेनिंग करना ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कोई फंडामेंटल राइट है, और ना ही कोई लीगल राइट है। अरविंद केजरीवाल की बेल बाहर एक गलत मैसेज पहुंचाएगी। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ही इज द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर एंड ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है। और अभी सिर्फ बेल मिली है, चार्जेस नहीं हटे हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि ये लिकर स्कैम था क्या और इसमें अरविंद केजरीवाल कैसे कनेक्टेड है। इस कहानी की शुरुआत होती है ओल्ड लिकर पॉलिसी से। एक स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो उसको मिलते हैं टैक्स रेवेन्यू से, और मेजर टैक्स रेवेन्यू लिकर पॉलिसी से आता है। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उसका ध्यान जाता है लिकर पॉलिसी पे। लेकिन ओल्ड लिकर पॉलिसी में कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जिससे जितना रेवेन्यू आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड लिकर पॉलिसी, एक बॉटल पे गवर्नमेंट को 25% वैट मिलता था। लेकिन इसमें भी काफी लूपहोल्स थे। दुकानदार बेच तो देता था चीज़ें, लेकिन सेल्स कम दिखाता था, या फिर इनका एक नेटवर्क बन चुका था, एक कार्टल सा बन चुका था, जिसमें ये लोग काफ़ी मिडलमैन आ चुके थे। तो जो एक्चुअल डायरेक्ट कट गवर्नमेंट को जाना चाहिए था वो गवर्नमेंट को नहीं जा पा रहा था। और या फिर लोग क्या करते थे, काफ़ी या तो ड्राई डेज वगैरह हो गए तो कनेक्टेड स्टेट्स जो थी दिल्ली से, वहाँ से जाके लिकर वगैरह बाय करते थे। इससे भी गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो 4 सितंबर 2020 को केजरीवाल गवर्नमेंट एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है, जिसमें ओल्ड लिकर पॉलिसी के फ्लॉज और उसके सोल्यूशन मिल सके। तो 3 लोगों की टीम बनाई जाती है, जिसे दिल्ली के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया लीड करते हैं, और उसमें 2 और लोग होते हैं, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत और हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। और इस टीम को बोला जाता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये पुरानी पॉलिसी को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, उसमें चेंजेस सजेस्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि न्यू पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस लाए गए। तो पहला चेंज था, जो लाइसेंस फीस 7 लाख हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया, ताकि सिर्फ बड़े प्लेयर्स ही एंटर कर पाएं। सेकेंड चेंज था कि अब लाइसेंस सिर्फ ऑक्शन के थ्रू दिया जाएगा, जो ज़्यादा पैसे देगा, जो ज़्यादा बिड लगाएगा, उसको ही लाइसेंस मिलेगा, और इसका बेस प्राइस 5 करोड़ रखा गया। तीसरा चेंज था, दिल्ली में जो एज लिमिट 25 थी उसे घटाकर 21 कर दिया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्कोहल कंज्यूम कर पाए। चौथा चेंज था, जैसे मैंने पहले बताया वीडियो में कि लोग कनेक्टेड स्टेट से जाके अल्कोहल बाय कर लेते थे, तो उन्होंने क्या करा, दिल्ली के ड्राई को 23 से कम करके 3 कर दिया, ताकि जो लोग हैं वो दिल्ली से ही अल्कोहल परचेज करें। और पांचवा चेंज था कि अब लिकर शॉप एटलीस्ट 500 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए, विद प्रॉपर CCTV एंड प्रॉपर AC, और उनका क्लोजिंग टाइम भी बढ़ा दिया गया 2-3 AM। अब 22 मार्च 2021 को ये नई पॉलिसी एक्सेप्ट हो जाती है बाय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। अब बस बचा था लेफ्टिनेंट गवर्नर का अप्रूवल। 15 अप्रैल 2021 को ये पॉलिसी लेफ्टिनेंट गवर्नर अप्रूव कर देते हैं। इस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन डेट निकाली जाती है 17 नवंबर 2021। लेकिन 2 दिन पहले ही कंडीशन रख दी जाती है कि ये लिकर शॉप्स ना ही कोई स्कूल, टेंपल, या फिर कोई रेजिडेंशियल एरिया, या फिर कोई अनऑथराइज एरिया में खोली जाएंगी। तो इसको केजरीवाल गवर्नमेंट कहती है कि ओपोजिशन पार्टी की साजिश है, इससे में काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि अब शॉप खोलने के लिए MCD और DDA का अप्रूवल भी चाहिए होगा। तो एज़ पर इंप्लीमेंटेशन डेट 17 नवंबर 2021 को ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो अब इनको लगता है सब कुछ एज पर प्लान चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन विद इन 8 मंथ्स, जुलाई 2022, ये पॉलिसी हटा दी जाती है और फिर से पुरानी लिकर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो इन 8 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि ये पॉलिसी टिक नहीं पाई और पुरानी पॉलिसी फिर से इम्प्लीमेंट करनी पड़ी। अब इस पॉलिसी के फ्लॉज को देखते हैं। पहला फ्लॉ था महंगी लाइसेंस फी, जो 7 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई थी। अब वेंडर्स घबरा रहे थे लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। दूसरा फ्लॉ था 849 में से 644 शॉप्स का खुलना, क्योंकि जो लास्ट मिनट चेंज हुआ था DDA और MCD के अप्रूवल के लिए, अब कुछ लोगों के पास लाइसेंस तो थे
लेकिन शॉप्स खोलने का अप्रूवल नहीं मिल रहा था। तीसरा फ्लॉ था, जैसे पहले क्लियरली बोला गया था कि शॉप्स ना ही कोई रेजिडेंशियल एरिया, ना ही कोई स्कूल, टेंपल या कोई अनऑथराइज्ड एरिया में खोली जाएंगी, लेकिन इस नियम का उल्लंघन करते हुए शॉप्स वहाँ खोली गई। कुछ शॉप्स तो ऐसी थी कि टेंपल के बिल्कुल पास में खोली गई, तो इन शॉप्स को ऑर्डर आता है कोर्ट से और वो शॉप्स वहाँ से हटवाने के लिए बोला जाता है। तो इसकी वजह से 644 से शॉप्स घटकर 339 रह गई। इस पॉलिसी के तहत जो मैन्युफैक्चरर होगा वो रिटेलर नहीं बन सकता था, ताकि कोई मोनोपोली ना बन जाए या फिर वो अपने प्राइस के अकॉर्डिंग मार्केट ना चलाने लगे। लेकिन इस नियम का भी उल्लंघन होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो ही रिटेलर बन चुका था। तो इससे आपने देखा होगा दिल्ली में 1+1 बाय वन गेट वन का ऑफर भी चल रहा था और ये काफ़ी डिस्काउंट भी देने लग गए थे। इससे क्या हुआ, कंजप्शन तो बढ़ गया, लोग ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन तब भी यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। अब कंजम्पशन डबल हो चुकी थी तो रेवेन्यू भी बढ़ा होगा, राइट? रॉन्ग, कंजम्पशन डबल होने के बावजूद रेवेन्यू कम हो चुका था। अब दिल्ली के चंद नरेश कुमार एक रिपोर्ट लिखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना को जुलाई 2022 में कि ये जो पॉलिसी है इसमें काफ़ी फ्लॉज हैं और इसे हटाया जाए। मेजर फ्लॉ था कि मैन्युफैक्चरर ही रिटेलर बन चुका था, इससे एक कार्टल की फॉर्मेशन हो चुकी थी और लाइसेंस के रिन्यूअल फी को भी काफ़ी टाइम वेव ऑफ किया गया मनीष सिसोदिया के द्वारा, जिसका टोटल अमाउंट था 150 करोड़। तो एज पर रिपोर्ट इससे गवर्नमेंट को अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ का नुकसान होता है। अब इस रिपोर्ट के बाद 31 जुलाई 2022 को मनीष सिसोदिया नई पॉलिसी को हटा के फिर से पुरानी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब देखा जाए तो पुरानी पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद ये मैटर यहीं क्लोज हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ से इनकी दिक्कतें और बढ़ती हैं। अब बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल के रेजिग्नेशन की डिमांड करते हैं ओवर दिस स्कैम। अब एक इंक्वायरी बिठाई जाती है और 17 अगस्त 2022 CBI 16 लोगों पे FIR रजिस्टर करती है, जिसमें मनीष सिसोदिया और उनके एसोसिएट्स के नाम सबसे ऊपर होते हैं लिस्ट में। फिर चालू होता है रेड्स और अरेस्ट का सिलसिला। अब FIR में सेक्शन 120B ऑफ इंडियन पीनल कोड, सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA लगता है। अब इस केस में PMLA लग चुका था तो इसमें ED भी काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगती है। अब CBI और ED ने मिलकर चार्जशीट फाइल करी और इनका बेसिकली कहना था कि इन्होंने आप पार्टी के टॉप लीडर्स के मिडलमैन को यूज करके एक कार्टल बनाया। मिडलमैन के नाम थे विजय नायर, दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा। तो इनका कहना था कि इन्होंने यूज करके एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हो और ये फायदा बाद में आप पार्टी को मिले इलेक्शंस के टाइम पे। और इस कार्टल का नाम था साउथ ग्रुप। अब साउथ ग्रुप में कौन कौन थे, पहली थी के कविता जो थी BRS लीडर और तेलंगाना के फॉर्मर CM की बेटी, दूसरे थे शरत रेड्डी जो औरोबिंदो फार्मा के एसोसिएट थे, तीसरे मगुंता रेड्डी जो YRS के कांग्रेस पार्टी के फॉर्मर MP थे और उनके बेटे राघव मगुंता। अब इनका कम्युनिकेशन हो रहा था विजय नायर जो केजरीवाल के खास बताए जाते हैं, दूसरे थे दिनेश अरोड़ा जो मनीष सिसोदिया के खास बताए जाते हैं और उनका एक कॉमन फ्रेंड अमित अरोड़ा। अब इन मिडलमैन और साउथ ग्रुप का कम्युनिकेशन हो रहा था और एक डील फाइनलाइज की जा रही थी। तो वो डील क्या थी, इन मिडलमैन और साउथ ग्रुप की कम्युनिकेशन के बाद 100 करोड़ की डील फाइनलाइज होती है, जिसे केजरीवाल बाद में कहते हैं कि ये पैसा हमें गोवा के इलेक्शन में काम आएगा। तो इस सब के बाद ED केजरीवाल को बार बार समन भेजती है अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक। टोटल 9 समन भेजे जाते हैं लेकिन केजरीवाल नहीं जाते और इसको बोलते हैं कि ये भी एक साजिश है BJP की। देखो, ये साउथ ग्रुप क्यों बनाया गया पहले ये समझो। एक तो कि पूरे दिल्ली में एक ही ग्रुप होगा जो पूरा कार्टल फॉर्म कर लेगा और जिसपे दिल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। एक और मेजर पॉइंट था जिसे ED ने सामने लाया, अकॉर्डिंग टू ओल्ड पॉलिसी होलसेलर का प्रॉफिट मार्जिन 5% पे फिक्स था और इस नई पॉलिसी में वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया बिना अप्रूवल के, जो कि किया मनीष सिसोदिया ने। लेकिन इस 12% में भी एक लूपहोल था, 6% तो इन्होंने फिक्स कर दिया और 6% को इन्होंने बोला कि ये आपको 6% हमें रिटर्न करना पड़ेगा दूसरे चैनल से ब्लैक मनी में फॉर दी इलेक्शंस। अब ये सारी डील हो जाती है और गवर्नमेंट को पैसे भी आ रहे होते हैं, तो जो सारा पैसा था वो गोवा पहुंचाया जाता है। 45 करोड़ थी टोटल अमाउंट थ्रू हवाला। अब हवाला कैसे वर्क करता है ये समझो। मान लो दिल्ली से गोवा पैसे भिजवाने हैं तो आप दिल्ली में एक बंदे को वो पैसे दे दोगे और
आप जिस बंदे को आपने गोवा में पैसे पहुंचाने हैं उससे एक नोट का, मान लो 10 रुपए के नोट का सीरियल नंबर मंगवा लोगे, और वो आप सीरियल नंबर जिस बंदे को आपने दिल्ली में पैसे दिए हैं आप उसे वो दे दोगे, तो वो बंदा जब दिल्ली से गोवा जाएगा तो, और वो बंदा जब उससे उस पार्टी से मिलेगा जिसको पैसे देने हैं, वो पार्टी उसको वही सेम सीरियल नंबर वाला नोट देगी और वो नोट ले लेगा और उस पार्टी को पैसे दे देगा। तो ऐसे ये पूरा हवाला सिस्टम वर्क करता है और ये आज भी वर्क करता है। तो बार बार ईडी के समन के बाद केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ऑल्दो ईडी के पास कोई डायरेक्ट सबूत नहीं है केजरीवाल के कनेक्शन का, क्योंकि केजरीवाल ने कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया, अपना कोई भी साइन किसी भी डॉक्यूमेंट पे नहीं किया। लेकिन इनका कहना है कि इन आप पार्टी के लीडर्स वगैरह ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे उनको बाद में ब्लैक मनी के थ्रू इलेक्शंस में फायदा हो। अब अगर केजरीवाल सिर्फ सीएम होते तो वो शायद अरेस्ट ना होते, लेकिन केजरीवाल सीएम के साथ साथ आप पार्टी के लीडर भी हैं इसलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब देखो वर्डिक्ट तो आया नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते कि अरविंद केजरीवाल गिल्टी हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको सारे फैक्ट्स बताने की कोशिश की है जिससे आपको क्लियर हो कि क्या सही है क्या नहीं। अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं और उनका कहना है कि ये सारी साजिश को वो सामने लेके आएंगे और डिक्टेटरशिप को ख़त्म करेंगे। अब उनका बयान भी आता है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं वो नेक्स्ट ईयर 75 साल के हो जाएंगे, तो उनको रिटायर होना है अकॉर्डिंग टू His rules, जो उनके गवर्नमेंट के रूल्स हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये जो सारी कैंपेनिंग चल रही है ये नरेंद्र मोदी के लिए नहीं चल रही है, ये अमित शाह के लिए चल रही है। तो आप में से जो भी कोई वोट देने जाएगा बीजेपी को, ये सोच के जाना कि मोदी की गारंटी मोदी पूरी नहीं करेंगे, अमित शाह पूरी करेंगे। और क्या वो सच में पूरी करेंगे? तो ये पूरी अभी फाइट चल रही है केजरीवाल की, एंड केजरीवाल को वापस जाना है जेल में 2 तारीख को नेक्स्ट मंथ की। तो ये मेरे सारे फैक्ट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे, एंड आई होप इन फैक्ट्स के थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड ऐसे ही अपडेटेड रहना नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एंड नोटिफिकेशन बेल दबा के। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।